अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो एक एप्सन का स्कैनर है, जिसका ये इशू है कि वो इसके एरर लाइट चल रही है, स्टिल उसकी एरर लाइट चलती रहती है। ना वो ADF पे पेपर लेता है, ना वो स्कैनिंग पे लेता है, ना ही वो रेडी होता है। रेडी लाइन पे आने से पहले उसकी एरर लाइट जो आ रही है, ब्लिंक आ रही है, वो ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक आ रही थी। इसका जो पहले का स्टेटस था वो ये वाली जो है वो लाइट ब्लिंक आ रही थी कंटिन्यूसली। इसका फॉल्ट डायग्नोस मैंने कर लिया हुआ है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी साथ शेयर कर लूँ, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ सकता है। और उसके अलावा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, इससे लाइट एरर आ रही थी। इसका ये भी इशू होता है कि फर्मेटर बोर्ड का भी इशू हो सकता है, जिसकी वजह से वो इसकी ये एरर लाइट पे रेडी भी नहीं जाता, एरर लाइट पे स्टिल रहता है। और दूसरा जो इसका मेन इशू है, ये ADF मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। ADF को जब आप खोलेंगे, ये जब खोलेंगे तो आप ये देखें, ये मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। इसका एक तो ये देखें, ये सेंसर की एक स्ट्रिप होती है। समटाइम ये होता है कि इसका स्प्रिंग वगैरह उतर जाए या फिर इसकी ये डंडी टूट जाए, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा ये इसके साथ ये सेंसर नीचे लगा होता है, इस पर अच्छी भली गार्बेज आई थी, ये मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इस ये सेंसर जो है ना बहुत डर्टी हुआ हुआ था, जिसकी वजह से ये सेंसर ऑपरेट नहीं हो रहा था। इसको WD-40 के साथ मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद इसकी मूवमेंट को चेक किया है तो ये वर्किंग करना शुरू हो गया है। तो ये आप देख लें सेंसर। और दूसरी जो मैं आपको पट्टी दिखा रहा था वो ये वाली पट्टी मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें, ये मूव अप डाउन होती है। इसकी ये वाली साइड टूटी हो या इसका स्प्रिंग उतरा हो तब भी ADF जो है वर्क नहीं करेगा। और दूसरी बात ये मैं आपको मेन इसकी बताता जाऊँ, जो मैं पहले भी डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, वो इसके ये रोलर्स का है। ये जो देखें आप, ये रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सम टाइम ये होते हैं ऊपर से प्लेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर स्किप होता है या आपका पेपर ये पिक ही नहीं करता, जिस वजह से कई लोगों को, नए यूज़र्स को तो इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन इसके ये रोलर्स का फॉल्ट होता है। रोलर्स के फॉल्ट की वजह से दूसरा ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है कि पेज आपका स्टक करता है और आपका पेज पिक नहीं करता। और दूसरी बात ये है, इसके ये चीज़ करने के बाद आप लोग देखेंगे, ये देखें इसकी लाइट जो है ना बिल्कुल स्टेबल हुई है, इट्स मीन कि ये रेडी पे है। इसका मैंने स्कैनिंग करके सारा कुछ चेक भी कर लिया है, अभी मैं आपको भी चेक करा देता हूँ। मैं कुछ पेजेस यहाँ पे रखता हूँ, रखने के बाद इसका मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाते हैं। ये DS1630 शो हो रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा और फ्लैट बेल्ट हुआ है, ये फ्लैट बेल्ट को मैंने फीडर करना है। फीडर करने के बाद इसको मैं स्कैन की ऑप्शन दूंगा। स्कैन की ऑप्शन जब दूंगा तो ये देखें स्कैनर ये स्कैनिंग करना शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स, ये है इसका तरीकाकार जो मैंने आपको अभी बताया। जब ये स्कैनर डिटेक्ट करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो आप इस तरह इसको सिंपल तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर दूंगा, सेव नहीं करता नहीं। और उसके अलावा आप लोगों के साथ मैं और चीज़ भी शेयर कर दूं, क्योंकि समटाइम आपको ये भी इशू होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इसका स्कैनिंग यूनिट है जो पेपर को स्कैन करता है। आपको ये मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ये स्ट्रिप इसकी लगी हुई है, ये इसका स्कैनिंग यूनिट है जो मूव होता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। और दूसरी बात ये है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऊपर टॉप कवर पे आप देखें, ये पेपर एक लगा होता है, इसके साथ ये प्लास्टिक का पेपर दूसरा जो है,
ये वाला, ये सम टाइम ये ऊपर हो जाता है इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे आके पेपर आपका जैम हो जाता है। जब पेपर जैम होगा तो आप ज़्यादातर देखेंगे ये पेपर जैम इसकी वजह से होता है। इसको आप ऊपर उठा के उसको फ्लिप को नीचे करेंगे ताकि पेपर वहाँ से जब मूव होके आता है स्कैन होके इधर से होके ADF का पेपर बाहर आउट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसकी सम टाइम ये होता है कि आप स्कैनिंग करते हैं, आपकी स्कैनिंग में लाइनिंग आना शुरू हो जाती है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो स्ट्रिप लगी हुई है, स्ट्रिप कहीं से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई एक आध पॉइंट इसका काम ना कर रहा हो या प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग यूनिट को वोल्टेज ना आ रहे हो, तो इस वजह से भी वो आपकी लाइनिंग आना शुरू हो जाती है। जब आप स्कैनिंग करते हैं तो वो स्कैनर तो चलता है, मूव तो करता है, लेकिन आपकी लाइनिंग आती है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका सम टाइम इस स्कैनर के ये जो लाइट लगी होती है इस पर भी कुछ लाइट्स होती हैं जो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रिप की वजह से वो भी नहीं चलती, या स्कैनिंग में इशू आता है तो उसकी वजह से नहीं चलती। ये चीज़ है। तो व्यूअर्स, आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने का इसलिए है कि अगर आप स्कैनिंग इस स्कैनर को कुछ छोटे मोटे इशू होते हैं कुछ इस तरह के, तो वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ईजीली इसको ओके कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं आता इसमें। और इसके अलावा अगर स्कैनर में किसी किस्म का कोई आपको इशू आ जाता है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपनी वीडियो में शेयर कर दूंगा, जिससे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू हो आप इजीली पूछ सकते हैं, या अगर आपको पार्ट्स वगैरह ना अवेलेबल हो रहे हों या पार्ट्स का कोई इशू हो अगर पाकिस्तान में है आप, तो मैं आपको पार्ट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी प्रिंटर का फ्यूज यूनिट है, कोई भी चीज़ है, तो वो भी आपको मैं ईजीली डिस्पैच कर सकता हूँ यहाँ से। और इसके साथ ही अगर आपको किसी किस्म का कोई और इशू आ रहा हो स्कैनर में, जो आप समझते हो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं पहले तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया, और इसके अलावा आपने मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और इसके साथ ही और आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया, पसंद किया। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, अपने नए दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें, और किसी किस्म के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी किस्म का कोई डिस्कशन करनी है तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हर टाइम तो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता, सम टाइम मैं थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ जिस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता। तो मेरे चैनल को लाइक करने का, मेरी वीडियो को पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ, और कोशिश करें कि अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स की वीडियोस को, कई दोस्तों को जिनको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही था, आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।